Obviously, आपको पता है 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 के बारे में मैं बता रहा हूं, this is part one. Part one है, क्यों? क्योंकि पूरे questions, advance, possible नहीं होगा complete करना ना सारे यूनिट एकदम से कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा तो, तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम solve कर सकते हैं उतना मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज ठीक है मोस्टली आई थिंक दो यूनिट तो हम कम से कम कंप्लीट आज करने ही वाले हैं ठीक है तो चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड यहां लिखा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ विद ऑफ विच कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जल्दी से बताना है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ विच कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम जल्दी से अभी काफी लोग ज्वाइन नहीं हुए तो अभी हो जाने देंगे थोड़ी देर में वो भी जाएंगे जल्दी जल्दी हो जाएंगे तब तक हम लोग शुरुआत कर चुके हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कैरेक्टर ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो करेक्ट आंसर इज ग्रोथ जो फर्स्ट आंसर है इसका वो क्या है ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर मार्क कर देता हूं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाएंगे। जल्दी से बताना ट्रू ऑफ फॉल्स है इंक्रीज इन सॉरी ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जल्दी से वेरी गुड काफी लोगों का आंसर आ गया है अरे वाह, कुछ लोग बोल रहे हैं फॉल्स और कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रू लेट्स सी, क्या होता है ओके ठीक है तो करेक्ट आंसर इज ट्रू आप लोग याद रखना है ग्रोथ जो है रिप्रोडक्शन है एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने ये नहीं बोला है कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म

डार्विन ऑफ ट्वेंटीएथ सेंचुरी जल्दी से आंसर देना वेरी नाइस ठीक है nice. तो कई लोगों का आंसर आ गया है

both a and b the आंसर इज़ horizontal and vertical the because biggest spin of the taxonomic study was the recognition of sharing of similarities between the organisms both horizontally and vertically तो एनसीआरटी लाइन के हिसाब से चलेंगे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं early man could early man could Easily perceive the difference between inanimate matter and a living organism, true or false? Question number five Early men could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism, true or false? दर्ली मैन कूड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इन एनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉल्स तो क्या ये पुराने जमाने में या पुराने जो इंडिविजुअल्स थे जो हमारे ह्यूम्स के एनसेस्टर्स हैं क्या वो इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते थे बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग या सुनो सोचो अगर जंगल में शिकार करने के लिए हमारे कोई पूर्वज गए होते हैं और उनको कोई ऐसी चीज दिखती जिसको वो पहचानते नहीं है पर अगर उसको देख कर ये उसको खतरा मान सकते थे कि नहीं मान सकते थे मतलब कि क्या उसको देख कर ऐसे ऑर्गेनिज्म को देख कर ये पहचान सकते थे कि वो खतरे वाली चीज है कि नॉर्मल कोई चीज है अगर तुम जाते हो जंगल में और तुमको कोई अनजान चीज दिखती है जो तुमने लाइफ में कभी नहीं देखी क्या उसको देख के तुम पता कर सकते हो कि इससे खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता आंसर इज यस आप इसको देख के आसानी से पता कर सकते हो जिस चीज को आपने कभी नहीं देखा वो भी आपको खतरा उससे आपको खतरा है या नहीं है ये भी आप आसानी से पहचान सकते हो डिपेंडिंग ऑन इट्स डिंगी समझ लो अगर टाइगर लाइक -like कोई हो, हो या बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसके बड़े बड़े क्लॉज हो बड़े बड़े टीथ हो है ना शार्प टीथ हो जिसकी कैनाइंस प्रेजेंट हो उसके पास में तो ऐसी कंडीशन में ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको हार्म कर सकता है ना तो इसलिए जो अर्ली मैन था वो भी इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते थे ना कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है खतरे का है कि के सेफ है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए तो इसलिए हमारे अर्ली मैन थे वो भी रिकॉग्नाइज कर सकते थे तो आंसर इज ट्रू ठीक है चलिए इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉल्स इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जल्दी से वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज ट्रू बिल्कुल सही है भैया वाली चीज भी तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा दिस इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे देखो वॉट इज द कॉमन मेथड फॉर मल्टीप्लीकेशन एलगी एंड प्रोटोनिमा ऑफ इन सब में एक कॉमन मेथड है देखो आप सबको पता है है पे लिखा और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस तीनों डिफरेंट डिफरेंट है है ना फंगस हो गया एलगी हो गया और साथ में ब्राइफाइट हो गए इन तीनों में कॉमन मेथड है फॉर मल्टीप्लीकेशन कौन सा मेथड है वेरी गुड वैष्णवी वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज फ्रेगमेंटेशन तो फ्रेगमेंटेशन एक कॉमन मेथड है अच्छा फ्रेगमेंटेशन जो है ये सेक्सुअल मेथड है असेक्सुअल मेथड है किसमें काउंट करोगे आप इसको ये सेक्सुअल मेथड में काउंट करोगे क्या असेक्शुअल मेथड में काउंट करोगे आप फ्रेगमेंटेशन को वेरी गुड बहुत बढ़िया तो करेक्ट आंसर इज आप लोगों को याद रखना है ये एक asexual method है। ये ये है, 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 है? नहीं अच्छा एक बात आपको बता देता जो है, ये कौन है? तो ये evolutionary biologist है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा अर्नेस्ट मेयर कौन थे बायोलॉजिस्ट ठीक है तो आपको ये याद रखना है अर्नेस्ट मेयर वॉज इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोलेंगे नहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज़ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हाई रिप्रोडक्शन जो है उसको हम एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रीजन क्या है क्यों नहीं मान सकते है? ऐसा क्या है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज़ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ओके ईश्वर ने लिखा है सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस बीइंग लिविंग इनफर्टाइल कपल्स कांट रिप्रोड्यूस वेरी गुड मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कांट रिप्रोड्यूस एग्जांपल ट्रायल वर्क ऑफ बीज वेरी गुड तीनों लोगों ने अलग अलग बात लिखी और बिल्कुल सही लिखी है मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ में लिखी करेक्ट आंसर इज बिकॉज देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स दोनो रिप्रोड्यूसम भी अपने एग्जाम्पल क्या देख लिया तो एग्जाम्पल में इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स का एग्जाम्पल मिल गया हमको फिर हम लोग बात करेंगे लो कर कर ये सबके सब जो है लिविंग तो है पर रिप्रोडक्शन की केपेबिलिटीज इनके पास में प्रेजेंट नहीं है देख लेती है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन फॉर फॉर यूनिसेल ऑर्गेनिज्मी एंड अमीबा ए इजनमस टू बी एजनमस विमीबा की अगर हम बात करें तीनों के तीनों कैसे यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स है, है इनके केस में एज सिन विथ बी क्या है ये जल्दी से बताएं वॉट इज सोनोम इनोनमस विथ वॉट एस सी वेरी गुड सॉरिफ ऐश्वर्या वेरी गुड ईश्वरी वैष्णवी श्रावणी वेरी नाइस द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन देखो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग बोले रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं तो हम बोलेंगे बाय डिविजन ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे इनकी एक सेल है वो डिवाइड कर जाएगी फिजन कर देगी ठीक है पर अगर हम लोग बात करें कि ये लोग ग्रोथ कैसे करते हैं तो भैया ग्रोथ के नाम पे भी ये डिवाइड ही करते हैं एक से दो हो जाते हैं तो अगेन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल डिवीजन तो ये करते हैं या बोलो ये सेल ऑर्गेनिज्म तो की बात करें तो मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म जब भी ग्रोथ करते हैं तो उनमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं अब इनमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो ही नहीं सकते क्योंकि सेल है ही कितने है टोटल एक सेल प्रेजेंट है समझ तो याद रखना यहां पे रिपोडक्शन एंड ग्रोथ आर सोनोनिमस इनकेस ऑफ यूनिसेलो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एलगी एंड अमीबा नेक्स्ट ग्रोथ केज वाई तो यहां पर लिखा हुआ है बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो बाय डैश जल्दी से बताए ग्रोथ केन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाय क्वेश्चन नंबर टेन आंसर में लिखा है बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो बाय बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय बिल्कुल तो आप लोगों को याद रखना है दे ऑल्सो ग्रो बाय एक्यूमलेषन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस दे also ग्रो बाय accumulation ऑफ मटेरियल ऑन द surface तो आपको याद रखना है ये एक्सटर्नल ग्रोथ करते हैं इंटरनल ग्रोथ नहीं करते हैं इनके जो एक्सटर्नल surface है उस पर आपको किस चीज का डिपोजिशन मिल जाएगा जिस भी मटेरियल को जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें माउंटेन की तो क्या माउंटेन में ग्रोथ होती है तो आंसर इज यस माउंटेन भी ग्रो करते हैं माउंटेन में जब ग्रोथ होती है तो उनके ऊपर कभी कभी बर्फ जम जाती है है ना कभी उनके ऊपर ट्रीज का अमाउंट बढ़ जाता है कभी पत्थरों जो चट्टान है उनकी ऊपर पे आपको सोइल का डिपोजिशन मिल जाएगा या फिर डस्ट डिपॉजिट होती है मिल जाएगी तो इससे उनका मास इंक्रीज हो रहा है अल्टीमेटली समझ रहे हो तो इस चीज को क्या बोल रहे हैं इसको भी ग्रोथ बोल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल But arise as a result of interaction among the constituent cells. Versus, so no, the property of tissue are not present in the constituent cells, but arise as a result of interaction among the constituent cells. True or false, Jaldi batayin. ठीक है काफी लोगों ने अपना आंसर मेंशन कर दिया तो आप लोगों को याद रखना है प्रॉपर्टी टिश्यू में एक सेल डिसाइड नहीं करती कोई भी चीज कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन अगर एक टिश्यू के अंदर होना है तो वो एक सेल डिसाइड नहीं करेगा वो कंप्लीट ग्रुप ऑफ सेल का फंक्शन है डिसाइड करना कि एक टिश्यू क्या फंक्शन कैरी आउट करेगा अच्छा कुछ टर्म्स हैं जो आपके किए पर प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं टोटोनिम्स क्या होते हैं जल्दी से कमेंट करें व्हाट आर टॉटोनिम्स टॉटोनिम्स क्या है ये बोनस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कहीं कहीं देखने के लिए आपको मिले होंगे और आपके एनसीआरटी में टॉटोनिम्स के एग्जाम्पल भी मैंशन किए गए हैं तो जल्दी से बताओ टोटोनिम्स किसे कहते हैं वट आर टोटोनिम्स वेरी गुड सौरभ एक आंसर लिख दिया पर टोटोनिम्स को एक्सप्लेन कैसे करोगे मतलब क्या बताओगे कि टॉटोनिम्स क्या होते हैं ये कैसे बताया जाएगा वॉट आर टॉटोनिम्स सेम स्पीशीज एंड जीनस वेरी नाइस स्पेसिफिक नेम एंड जेनर जो जेनरिक नेम है वो कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए तो जीनस और स्पीशीज सेम है फॉर एग्जाम्पल अभी सौरभ ने लिखा नाजा 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 कौन है किंग कोबरा है उसके अलावा हम लोग अगर बात करें कतला कतला है ना तो नाजा नाचा हो गया कतला कतला हो गया रेटस रेटस हो गया ये सब क्या है दीज आर टोटोनिम्स समझ गए ऑटोनिम्स क्या होते हैं ऑटोनिम्स ये तो टोटोनिम्स हो गए ना ने? ऑटोनिम्स क्या होते हैं तो अभी हमने बात किसके बारे में की टोटोनिम्स अब मैं पूछ रहा हूं आपसे ऑटोनिम्स क्या है ऑटोनिम क्या होता है जल्दी से। When different genus species and genus, okay? नहीं ऐसा नहीं है तो ऑटोनिम्स के बारे में सुन लो जरा अगर यहाँ पे स्पीशीज और सब स्पीशीज सेम हुए जैसे कि अगर हम बात करें होमो सेपियंस की तो होमो सेपियंस और सैपियन्स होता है तो ये सब स्पीशी, स्पीशी अगर सब स्पीशी और स्पीशी जो है ये दोनों के दोनों सेम नाम शेयर कर रहे हैं सेम नेम शेयर कर रहे हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटोनिम क्या बोलते हैं ऑटोनिम तो टोटोनिम हो गया ऑटोनिम सुन लिया आप लोगों ने नेक्स्ट कंडीशन होती है लास्ट वाली होमोनिम्स और याद रखना है आपको क्या चीज होमोनिम्स होमोनिम होमोनिम क्या होता है चलो होमोनिम्स भी मैं बता देता हूं यहां पे आपको याद रखना है दो डिफरेंट टैक्सन जो होते हैं उनको एक ही नाम प्रोवाइड कर दिया जाता है सेम नेम फॉर टू टैक्सन सेम नेम फॉर टू टैक्सन जैसे कि अगर हम बात करें प्लम की जैसे हम प्लम की बात करें और प्लम के अलावा एलमेंड की बात करें तो एलमेंड और प्लम जो होते हैं इनमें खास चीज आपको याद रखनी है इन दोनों के केस में जो नेम है वो कॉमन है क्या नाम है पायरस प्रूनस पायरस मेलस पे जा रहा था मैं इज एप्पल तो प्रूनस डलसी तो प्रूनस डलसी जो है ये प्लम के नाम का नाम भी है और आलमंड का नाम भी प्रेजेंट तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सम में सेम नेम कॉमन नेम को शेयर करने वाले जो है वो होमोनिम्स कहलाते हैं ठीक है थीके? तो जो कॉमन नेम को शेयर करेंगे जैसे कि यहां पे कौन हो गया यहां पे हो गया प्रूनस डलसी चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं फिर आए कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 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 है नंबर लास्ट कौन सा देखा था हमने ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ पे आ जाते हैं द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड जल्दी से आंसर करना है द सम टोटल ऑफ द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अगरिज्म इज कॉल्ड वेरी नाइस बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर दिया मेटाबॉलिज्म व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे कॉमन और टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लीकेटेड फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जल्दी से बताइए तो वॉट इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लीकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जल्दी से बताएं वेरी nice नाइस ऐश्वर्या वैष्णवी बिल्कुल सही आंसर है देख लो जल्दी से कॉन्शियसनेस इज द करेक्ट आंसर तो आप लोगों को याद रखना भैया सबसे ज्यादा ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर किसको बताया गया है कॉन्शियसनेस को बताया गया लिविंग के केस में ठीक है ना तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके केस में टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बताया गया है क्योंकि सब में कॉन्शियसनेस एकदम बराबर बराबर अमाउंट में नहीं है हम लोग सबसे ज्यादा कॉन्शियस है ना हम अपने एनवायरमेंट को सेंस भी कर लेते हैं उसके लिए रिस्पॉन्स भी शो कर लेते हैं पर कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं

म बैक टू लाइफ नॉर्मल लाइफ दे आर कंसिडर्ड लिविंग और नॉन लिविंग जल्दी से बताएं इनको लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग बोलोगे वो ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रेन डेड है है ना सच पेशेंट विल नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ दे आर कंसिडर्ड लिविंग और नॉन लिविंग क्या बोलेंगे इनको आप चलिए याद रखना इनको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट करेंगे क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है इनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर चलनी चाहिए वो चल रही है तो मेटाबॉलिज्म को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला है इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसिस सारी की सारी वर्क एक्चुअली में कर रही है ठीक है अब वो बात अलग है ये रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन लिविंग है तो ये कैसे कि किस में काउंट किए जाएंगे लिविंग में काउंट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्मेक्टर मेटाबॉलिज्म जल्दी से देखो ए अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स जल्दी से बताना ए अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल कौन है ये ए एके okay, दो आंसर आ गए हैं बाकी लोग जल्दी से बताएं वेरी नाइस nice. तो जिन लोगों ने फोटो पीरियड लिखा भी है breeders, तो केस में कितने टाइम उनको लाइट प्रोवाइड की जाती है इस पर डिपेंड करता है क्या चीज रिपोर्डक्शन ठीक है चलो अब जल्दी से क्या अच्छा एक बार बताना है क्या ह्यूमंस सीजनल ब्रीडर्स में काउंट किए जाएंगे ये सुनो बस इतना बता दो ह्यूमंस को सीजनल ब्रीडर में काउंट किया जाता है कि नहीं किया जाता जल्दी से बताना बिल्कुल सही है तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये चीज नहीं काउंट किया जाता अब देखो जल्दी से एक बात बताओ दो तीन टर्म्स हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं उनके आंसर देना है आपको बी कौन कौन से ए कौन है बी जल्दी बताएं बायनोमियल नॉमन क्लेचर में हर नाम में दो कंपोनेंट है ए एंड बी क्या है वो वेरी गुड एक आंसर आया बाकी लोग दो दो लोगों ने आंसर दे दिया तीन जल्दी से करना एकदम चलिए बहुत आंसर आ गए हैं द करेक्ट आंसर इज जीनस एंड स्पीशीज तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है ये प्रेजेंट होते हैं में तो ये दो कंपोनेंट जो बायनोमलेशमनक्लेचर के वो क्या क्या है एक है जेनेरिक नेम दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट पहले कौन आएगा तो पहले जेनेरिक नेम आएगा फिर स्पेसिफिक एपिथेट आएगा जैसे कि नाजा नाजा में अगर हम बात करें तो नाजा नाजा में पहला नाजा क्या है दैट इज जेनरिक नेम सेकेंड नाजा इज स्पेसिफिक एपिथेट इकोलाई की बात करें तो इसमें ई इज एस्केरिशिया एस्केरिशिया कोलाय में

वेरी गुड अरुणी ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है बिल्कुल सही है मोर्फोलॉजी पे बेस्ड होती है अल्फा टेक्सोनॉमी सेकंड टेक्सोनॉमी की अगर हम लोग बात करें विच इज बीटा टेक्सोनॉमी सुन लो जल्दी से बीटा टेक्सोनॉमी बीटा टेक्सोनॉमी किस चीज पे बेस्ड है किस कैरेक्टर्स पे बेस्ड है किन कैरेक्टर्स पे बेस्ड है जल्दी से बताना है बीटा टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन च करेक्टर्स वॉट टाइप ऑफ करेक्टर्स जल्दी उसे ट्राई करें जल्दी 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 अगेन अर्न देरी गुड साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भैया तो आपको याद रखना है साइटोलॉजिकल साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन थर्ड की बात करते हैं थर्ड कंडीशन जो है विच इज कॉल्ड एस ओमेगा टेक्सोनॉमी क्या बोलते हैं उसको ओमेगा टेक्सोनॉमी ओमेगा टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन वॉट तो आप लोगों को बताना है ऑन बायो केमिकल इंफॉर्मेशन तो इट इज बेस्ड ऑन बायो केमिकल इन्फॉर्मेशन तो इतना सा आप इसको याद करके छोड़ दो सबसे पहले चीज अल्फा टेक्सोनॉमी मोफोलॉजी पे बेस्ड है अगर हम बात करें बीटा टेक्सोनॉमी की तो ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है बायोकेमिकल केमिकल के सॉरी ओमिका टेक्सनॉमी की बात करें तो ये बायो केमिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है ठीक है तो इतना सा इंफॉर्मेशन आप लोग को याद रखना है इसके बारे में चलिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पर आ जाते हैं वट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी बी एन बड़ा आसान है कोई भी बता सकता है जल्दी से बताएं वट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी बी एन what is the full form of icbn जल्दी जल्दी करिए what is the full form of icbn very good a answer a g do 3 4 ठीक है बहुत बढ़िया चलिए काफी आंसर आ चुके हैं द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल कोड फॉर कोड फॉर कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमन क्लेचर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमन क्लेचर तो आपको याद रखना पड़ेगा अच्छा कोड ऑफ के कोड फॉर आईसीबीएन के अगर नाम पे अगर हम लोग आ जाए तो इसमें कोड ऑफ आना चाहिए कि कोड फॉर आना चाहिए तो आपको यहां पे फॉर आना चाहिए ऑफ नहीं आना चाहिए यहां पे आना चाहिए फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेकल नोमक्लेचर आना चाहिए बोटेनिकल नोमक्लेचर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हाउ मेनी स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब टिल नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गया मार्क कर देता हूं जल्दी से हाउ मेनी स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड टिल नाउ अभी तक कितनी स्पीशीज पता है डिस्क्राइब की गई है जल्दी से वेरी गुड काफी लोगों का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया बिल्कुल तो करेक्ट आंसर इज 1.72 1.8 मिलियन स्पीशीज 1.72 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं या उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है जा सके है द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेजम क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूं द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेजम प्रेजेंट ऑन अर्थ दिस रिफर्स टू एज डैश जल्दी से बताएं द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ दिस रिफर्स टू एज बिल्कुल सही है दिस रिफर्स टू एज बायोडाइवर्सिटी दिस बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़िया बिल्कुल सही है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करते हैं फॉर प्लांट फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड बाय कौन सी गवर्निंग बॉडी है जो कि ये क्राइटेरियाज डिसाइड करती है प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है जल्दी से बताना फॉर फॉर प्लांट्स Scientific names are based on based on agreed principles and criterias which are provided by. Very good. The correct answer is I C B N. Kafilo answered the correct answer is I C B N. Next question pe aate hai, question number 21. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate dash. to indicate. डैश जो भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनमें जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करने का एक प्रावधान है या फिर बोलो ऐसे उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है तो रीजन क्या है क्यों अंडरलाइन किया जाता है सेपरेटली जल्दी से आंसर करना है ऐसा क्या रीजन है कि उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है दो लोगों ने अपना आंसर मेंशन किया है बाकी लोग बताएं जल्दी से ठीक है है क्या बात ज्यादातर के स्टूडेंट्स आंसर आंसर दे पा रहे करेक्ट इज ओरिजिन देखो ये लोग जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको किसी एक इंग्लिश में हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता लेटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं या फिर उससे ड्राइव किए जाते हैं इसका कारण क्या होता है जिससे कि ये किसी के एक इंसान के होके ना रह जाए या किसी एक कंट्री का नाम होके ना रह जाए इसलिए इनको क्या किया कि जाता है लेटरनाइज किया जाता है समझ रहे हो अगर हिंदी में लिखना स्टार्ट कर देंगे नेम तो बाकी कंट्रीज को ऑब्जेक्शन होगा इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोगों को ऑब्जेक्शन होगा इसलिए क्या किया जाता है इनको लेटरनाइज किया जाता है लेटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है अब लेटिन में लैंग्वेज में अगर को कोई भी चीज आपको लिखनी है तो उसको आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उसके लिए जैसे कि यहाँ पे भी एक रूल मेंशन किया गया कि आपको जीनस को और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा समझ रहे हो? तो ये क्यों किया गया है? जैसे कि पता चले कि लैंग्वेज में में किया गया है। नंबर बात करें होते हैं, generally तो प्रेजेंट होते हैं पर इनको लिखा जाता है बी में बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली ए इन ए लैंग्वेज एंड रिटेन इन बी

how the first letter of first word and first letter of second word is named in the name of an organism are written respectively jaldi se according to binomial system how the first letter of the first word first letter of the first word and first letter of the second word in name of an organism is written respectively jaldi se.

अब क्वेश्चन है व्हाट इज एलसीशियन आपके एनसीआरटी में एलसीशियन मेंशन किया गया है क्या है एलसीशन व्हाट इज एलसीशन वेरी गुड तो इट इज अ ब्रीड ऑफ डॉग और वी कैन से इट इज अ स्पीशीज ऑफ डॉग और वी कैन से अगेन इट इज अ वेराइटी ऑफ डॉग ठीक है तो ये डॉग के बारे में नाम लिखा गया है ये कोई स्पेशल चीज नहीं है क्या होता है ऑफ डॉग स्पीशीज और ब्रीड ऑफ अ डॉग ठीक है सिस्टमेटिक्स है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड स्टेमा स्टेमा का मतलब क्या होता है जल्दी से बताना है आपको स्टेमा का मतलब क्या है जल्दी से ट्राई करें सब लोग बहुत बढ़िया एक आंसर आ गया दो लोगों ने आंसर दे दिया बाकी लोगों आंसर दें जल्दी मुझे सिलेक्शन चाहिए तो आंसर जरूरी है इसलिए आंसर देते रहो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मिस्टेक होगी उसी से सीख पाओगे आगे बढ़ पाओगे चलो जल्दी से देख लेते हैं और बिल्कुल सही आंसर दिया है सब लोगों ने करेक्ट आंसर इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेजम सिस्टेमा का मतलब होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पे जाते हैं कैटेगरीज टेक्सोनोमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंगजिकल एंटिटीज एक्सनॉमिक कैटेगरीज एक्सोनॉमिक ग्रुप जो है डिस्टिंगल एंटिटीज एंड नॉट मेरे लिएट्स तो अगर हम बात करें एक्सोनॉमिक कैटेगरी ग्रुप्स की तो ये अलग अलग है दीज आर डिफ डिस्टिंगजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरे लिए मोफोलॉजिकली एग्रीगेट्स ट्रू ओ फॉल्स जल्दी से कमेंट करना ट्रू ओ फॉल्स काफी लोगों ने अपना आंसर मार्क कर दिया है इज ट्रू बिल्कुल सही है भैया ये चीज कुछ गलत नहीं है इसमें बिल्कुल सही है अभी एक और फैमिली के में में पे क्वेश्चन आया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन ट्वेंटी एट पे आते हैं व्हाट आर बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी के बेसिक्स क्या है ये एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों को याद रखना चाहिए वॉट आर बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी कोई पूछे तो क्या आंसर देना है जल्दी से मार्क करें वॉट आर बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी वाटर बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी जल्दी से टेक्सोनॉमी के बेसिक्स में किसको काउंट किया जाता है कौन सी कौन सी चीजों को जैसे कि एक है आइडेंटिफिकेशन बाकी दो और बताएं जल्दी से नॉलेज ऑफ करेक्टर्स नहीं जल्दी से बताएं एक है आइडेंटिफिकेशन दूसरा है वेरी गुड प्रज्वल करेक्ट आंसर इज आइडेंटिफिकेशन नॉमन एंड क्लासिफिकेशन अगर ये अभी आपको याद नहीं है मतलब आप समझ जाओ ये छोटा सा टॉपिक लिविंग वर्ल्ड चल रहा है जो आपको एग्जाम में सेलेक्ट होने से रोक सकता है तो बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ लो और याद रखो क्योंकि एग्जाम को ज्यादा टाइम बचा नहीं है और आप लोगों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपके एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ऑप्शन में कुछ भी लिख के आ सकता है ना ऑप्शन में क्या लिख के आएगा आपको थोड़ा पता है तो आप ऑप्शन के भरोसे मत रहिए कई बार दो ऑप्शन ऐसे आते हैं जो आपको दोनों लगता है कि आंसर होंगे तो इनमें से कोई एक मार्क करना पड़ता है तो इसलिए आपको एक्जेक्टली exactly लाइन में ये लाइन एनसीआरटी की है तो इस लाइन में क्या चीज मार्क की गई है वो आपको एग्जेक्टली exactly पता होना चाहिए दूसरी चीज जो ऑप्शन में आएगी वो भी सही होगी पर जरूरी नहीं है कि वो आपको मार्क करना है समझ रहे हो ना अगला देखो क्वेश्चन नंबर द नाइनियस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन डैश ऑफ वेरियस ऑर्गेजम दर्लियस्ट क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द डैश ऑफ वेरियस ऑर्गेजम पुराना क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता था जो सबसे पहला यहां लिखा था अर्लिएस्ट सबसे पहला वाला जो क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का किया गया है तो वो किस बेसिस पे करते थे वेरी गुड सब ने कॉपी पेस्ट कर दिया सबका आंसर गलत है बहुत-बहुत बधाई बहुत है आपको द करेक्ट आंसर इज इट वाज बेस्ड ऑन यूज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर यूजेस या वी कैन से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भैया किसकी कितनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता था तो सबसे पहले अगर किसी को क्लासिफाई किया गया है तो उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है कितना जरूरी था ऑर्गेनिज्म ठीक है आप देखो जल्दी से देखो अब यहां लिखा है जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा ट्रुओ फॉल्स जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has more character in common in comparison to the species of other gender true or false अगर कई सारे आंसर्स आपको नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि तैयारी कमजोर है समझ रहे हो कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम उतना स्ट्रांगली नहीं पढ़ते उतना फोकस होकर नहीं पढ़ते क्यों क्योंकि वो ठीक है छोटा सा टॉपिक है एक आध बार फिर से रिवाइज कर लेंगे हो जाएगा इस चक्कर में तो इस चक्कर में ना पढ़ते हुए क्या करना है आप लोगों को इसको बार 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 रिवाइज करते जाना है है ठीक तो इसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करते जाएं इस टॉपिक को और जितने मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी की, बहुत सारी लाइंस को कवर कर लेते हैं तो इनकी हेल्प से आप आसानी से इस चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे ठीक है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है द करेक्ट आंसर इज ट्रू बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे जाते हैं फेलिडी एंड फेलिस Represents which taxonomic categories respectively, or ये कौन से कौन से टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जल्दी से मैंशन कर दें देखो पूरा क्वेश्चन सुनो उसके बाद आंसर करो फेलिडी एल एंड फेलिस फेलिडी क्या है फेलिस क्या है यह आपको मैंशन करना है जल्दी से बिल्कुल तो आप मेंशन करेंगे देखो जिस सीक्वेंस से पूछा गया है ना रिस्पेक्टिवली सीक्वेंस वही रहना चाहिए कुछ लोगों ने सीक्वेंस उल्टा लिखा है आपको पहले फैमिली लिखना है फिर जीनस लिखना है क्योंकि इस cat, क्या है जीनस ऑफ कैट ठीक है तो फेलिस डोमेस्टिका की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो जीनस है 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 ना क्या ठीक चलो question number 32 पे जाते हैं ह्यूमन का scientific name सबको मालूम है होमो होता है होता का नाम बता दो और लेपर्ड का नाम बता दो जल्दी से साइंटिफिक नेम बताने हैं और सुनो कोई रूल्स के साथ लिखने की जरूरत नहीं है साइंटिफिक नेम्स टाइप करने की जरूरत नहीं आप आसानी से नॉर्मल वे में टाइप कर सकते हो पोटैटो और लेपर्ड का साइंटिफिक नेम टाइप करें जल्दी से साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो एंड leopard. ठीक है दो तीन लोगों ने आंसर दिया वेरी नाइस ओके okay. ठीक है काफी लोगों का आंसर आ गया है करेक्ट आंसर इस पोटैटो को बोलते हैं होमोसेपियन सेपियन ह्यूमन है तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सोलिनेसी पेट्यूनिया धतूरा आर जेनरा बिलोंगिंग टू फैमिली डैश सोलिनेसी पेट्यूनिया और धतूरा जो होते हैं दे आर बिलोंगिंग टू विच फैमिली ये आप लोगों को दो तीन जगह एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है इसके बारे में तो जल्दी से मार्क कर दो आंसर इसका सोलेनम पेट्यूनिया किस फैमिली के हैं बहुत आसान है बताना सोलेनम पेट्यूनिया धतुरिया धतुरा सोलेनम के टोबैको भी लिख सकते थे या फिर आप पोटैटो लिख सकते थे जल्दी से बताएं सोलेनम पेटूनिया धतूरा आर जनरा बिलोंगिंग टू द फैमिली

सबसे आसान क्वेश्चन आज का जिनमें सबसे ज्यादा मोफ मिलेंगी मोफोलॉजिकल सिमिलैरिटीज मिलेंगी उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग जल्दी वेरी गुड दो लोगों का आंसर आएगा तीन चार वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज स्पीशीज बोलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं स्पीशीज बिल्कुल तो आपको याद रखना है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल मोफोलॉजिकल सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड स्पीशीज ऑर्डर क्वेश्चन आ जाते हैं order and, मतलब यहाँ पे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है तो इतना अगर हम लोग बात करें सेम स्पीशीज के मेंबर की तो सेम स्पीशीज के member जो है, वो मोफोलॉजिकली बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं जैसे कि ह्यूमन्स की बात करें ह्यूमन्स आर मोमो सेपियंस हम लोगों की स्पीशीज क्या है सेपियंस सेपियंस स्पीशीज के जितने भी मेंबर होंगे उनमें मैक्सिमम मोफोलॉजिकल सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होगी हमारे पास में बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स है जितने पार्ट्स हैं सब कुछ सिमिलर है ठीक है अब अब आप कहोगे कि सर फेसेस तो सबके डिफरेंट हैं तो हम फेसेस की बात नहीं कर रहे हम हमारे चेहरे पे दो आंखें लगी हैं सबके पास दो ही आंखें लगी हुई हैं किसी की तीन नहीं मिलेंगी आपको समझ में आ रहा है हमारे पास दो कान है सबके पास में दो कान है सबसे मतलब मेरा कौन है सेप्टियंस स्पीशीज के जो भी मेम्बर है उनकी बात कर रहा हूँ तो उस सेंस में हम हम लोग कैसे वोफोलॉजिकल सिमिलर हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पे आते हैं ऑर्डर एंड अदर हाई हायर कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड based on the aggregations of character true or false orders and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregation of characters true or false true or false jaldi se वेरी गुड वैष्णवी बिल्कुल सही आंसर दिया है एक ही आंसर अभी तक सही आ पाया कौन है वैष्णवी ने आंसर दिया द करेक्ट आंसर इज ट्रू बिल्कुल तो आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल सही आंसर दिया आपने बेटा ऑर्डर हो चाहे कोई भी हो फैमिली हो क्लास हो किंगडम हो फाइलम हो हर चीज जो है ये सारे टेक्सो में कैटेगरीज जो बनाए गए हैं वो एक्चुअली किस बेसिस पे बनाए गए हैं या उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो तो वो कैरेक्टर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हो समझ रहे हो तो कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही हर टैक्सन को क्लासिफाई किया जाता है तो करेक्ट आंसर इज ट्रू क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पर जाते हैं फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स अलोंग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड जल्दी से फिशेस एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स किस कैटेगरी के मेंबर हैं आप लोगों को बताना है किस कैटेगरी के मेंबर हैं जल्दी से बताएं और हायर कैटेगरी पूछा गया है हायर कैटेगरी बताओ हायर कैटेगरी हाई कैटेगरी हायर कैटेगरी से मतलब होता है टॉप मोस्ट कैटेगरी के एक आध दो नीचे एक नीचे दो नीचे कुछ भी हो सकता है टॉप मोस्ट कैटेगरी है वो आपको पता है वो है किंगडम तो किंगडम के आसपास वाली कैटेगरी आपको बतानी होती है तो किंगडम के आसपास वाली कैटेगरी कुछ लोगों ने मेंशन कर दी है मैं नाम देख लेता हूं ठीक है श्रद्धा ने मेंशन किया है वैष्णवी गीता राइजन और उसके अलावा ठीक है तो करेक्ट आंसर इज फाइलम तो आप लोगों का आंसर याद रखना है फाइलम फाइलम कौन सा इनका इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की हम लोग बात कर लेते हैं एज वी गो एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम देन वॉट विल हैपन टू द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम

ए और क्या है बी सीक्वेंस में बताना है वॉट इज ए एंड वॉट इज बी वेरी नाइस बहुत बढ़िया तो करेक्ट आंसर इज फैमिली एंड क्लास तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है जो सीक्वेंस पूछा जाए आपसे वही सीक्वेंस बताना इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने उल्टा कर दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा तो ए इज इज फैमिली एंड बी क्लास बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पर चले जाते हैं देखो आप लोगों को याद होगा ये जो सीक्वेंस है याद रखना है आपको किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनियस स्पीशीज ये आपको पूरा सीक्वेंस याद रखना है इसको याद करने का एक ट्रिक भी है किंग प्लेज चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क प्लेज चेस ऑन फाइन गेस से हो गया क्लास ऑन से हो गया ऑर्डर फाइन से हो गया फैमिली ग्रीन से हो गया जीनस और सिल्क से हो गया स्पीशीज तो किंग प्लेज चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क ऐसे याद कर सकते हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को वेरी गुड और याद रखो जितना जल्दी आंसर यहाँ पे दोगे उतना ज्यादा टाइम आपको वहां पे मिलेगा 200 क्वेश्चन हो गए पहले आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने को मेरे के लिए थे तीन घंटे तो आपको तीन घंटे मिलते थे 180 को पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन एक

तो आप लोगों को क्या करना है बिल्कुल अच्छे से याद रखना है स्पीड बढ़ानी है आपको ठीक है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे लोगों ने मैंशन किया है करेक्ट आंसर इज सोलेनम सोलेनम ठीक है तो कॉर्डिटा की बात करी हमने कार्निवोरा की बात करी मेबेलिया की बात करी ये सब के सब एनिमल टेक्स हैं मतलब ये सब एनिमल से रिलेटेड है सोलेनम प्लांट से रिलेटेड है ऑर्डर आउट कर दिया हायर द कैटेगरी क्वेश्चन नंबर फोर्टी हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप To other taxa at the same level. Why? Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Why? ओके, okay. ठीक है ठीक है दो आंसर हैं डिफरेंट आंसर हैं ठीक है बिल्कुल अगर हम हायर टेक्सास पे चले जाते हैं ना तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है उनमें डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं ठीक है आप लोगों को याद रखना है जैसे जैसे आप हायर कैटेगरी की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते जाएंगे कम होते जाएंगे और जनरल कैरेक्टर्स दिखना चालू हो जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में वो क्या हो जाएंगे वेरी करना शुरू कर जाएंगे चलिए हम बात कर रहे हैं मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड मैन को किसके साथ मैच करोगे आप लोग जल्दी से ए को मैच करेंगे विथ ये बहुत सिंपल है इसमें ज्यादा टाइम इस वेस्ट नहीं होना चाहिए जल्दी से बताओ मैन को ए को मैच करोगे विथ ठीक है बी को मैच करोगे विथ बी को मैच किया जाएगा विथ जल्दी से ए इज़ होमोसेपियंस बी इज हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई को मैच करेंगे विथ वेरी गुड मस्का डोमेस्टिका अच्छा मैंगो को किसके साथ मैच में करेंगे विथ सी मैच करेंगे विथ वेरी गुड मैं इंडिका के साथ में करेंगे. मैं इंडिका एंड लास्ट इज वीट तो वीट को हम लोग मैच कर देते हैं विथ ट्राइटिकेक्ट आंसर इज ए थ्री बी फोर सी वन एंड डी टू चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू पे आते हैं फाइंड आउट वन

क्या बात है वेराइटी ऑफ आंसर्स यहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं तो ऑर्ड वन आउट कौन है भैया एना कार्डियसी इज द करेक्ट आंसर ठीक है करेक्ट आंसर क्या है एना कार्डियसी अच्छा कोई बताया गया किस खुशी में एना कार्डियसी एना कार्डियसी क्या है ऑब्वियसली मैंगो का है कुछ क्या है मैंगो का इट्स अ फैमिली बिल्कुल तो आपको याद रखना है ये फैमिली है बहुत सही और बाकी सब क्या है फिर तो बाकी सब ऑर्डर्स हैं है ना चलिए बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहां पे लिखा है आइडेंटिफाई ए एंड बी ट्रिटिकम एक्सिमम ट्रिटिकम पोएल्स बी ए और बी क्या है आपको जल्दी से बताना है आपके पास में एक चार्ट बना हुआ है एनसीआरटी में उस पर से क्वेश्चन पूछा गया है जल्दी से बताएं तो ट्रिटिकम एस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है दो लोगों ने अपना आंसर मार्क किया ट्रिटिकम एस्टिवम देन ट्रिटिकम देन पोएस देन बी अब ये ए और बी क्या है ठीक है तो ए को लोग मार्क कर रहे हैं ठीक है ए को मार्क किया है पोएसी और बी को मोनो बोल रहे हैं ए इज पोएसी एंड बी इज ट ठीक है तो ये आप लोगों को याद रखना है देखो ट्रिटिकम एस्ट्रीकम अगर हम बात करें तो ये तो बायोलॉजिकल नेम हो गया फैमिली कौन सी हो गई पोएसी हो गई फैमिली कौन सी हो गई पोएसी जो यहाँ पे मेंशन की गई है फैमिली पोएसी उसके अलावा हम लोग बात करें अगर ऑर्डर क्या है इनका तो पोएल्स ऑर्डर होता है पोएस ऑर्डर है इनका ठीक है क्लास की बात करें तो वो मोनोकॉट लुडोने डोने हो गई इनकी क्लास हो गई मोनोकॉट ठीक है Monocott, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ट्रिटिकम क्या है तो इसका जीनस है चलिए अब देखो एंजियोस्पर्म क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं एंजियोस्पर्म इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्वड ऑन शीट क्या बोलते हैं इसको जल्दी से बताएं एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्वड ऑन शीट एक मिनट सुनिएगा सब लोग हां तो ये ये हाँ, तो इट शुड बी ये हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे क्या होना चाहिए तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है वो मिस्टेक आपको फाइंड आउट करनी है तो एनजीओ एनजियोस्पोमे को हटाना पड़ेगा कुछ और लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा एनजीओ एनजोमे को हटा के वो बता दो तो जल्दी से एनजीओ एनजियोस्पमे यहाँ पे गलत है उसके लिए कुछ और लगना चाहिए क्या लगना चाहिए तो आंसर इज हर्बेरियम फिट होगा यहाँ पे तो हर्बेरियम जो है इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीमेंस दैट आर ड्राइड प्रेजेंट एंड प्रव ऑन शीट्स जल्दी से बता दें हार्बेरियम सर्व एसिक रिफर सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज बिल्कुल ऐसी एक अब एक्सैक्टली exactly यही है कि कुछ और ही दी हुई है वो देखना पड़ेगा आपको जल्दी से बताए मार्क करें बिल्कुल तो दिस इज द करेक्ट आंसर ट्रू है तो आप लोगों को याद रखना है इट एक्ट एज क्विक रिफरल सिस्टम इन एक्सोनॉमिक स्टडीज इंडियन बॉटनिकल गार्डन की हम लोग बात करें एंड नेशनल नेशनलिकल गार्डन की बात करें तो इट इज है. इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पर है और नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहां पर है यह आपको मार्क करना है इंडियन बॉटनिकल गार्डन एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहां पर है दोनों मार्क करने हैं वैष्णवी ने आंसर दिया अभी तक ऐश्वर्या अंधति रॉयल बॉटनिकल गार्डन नहीं पूछा है मैंने मैंने पूछा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन तो करेक्ट आंसर इज नेशनल बॉटनिकल गार्डन की अगर हम लोग बात करें तो लखनऊ में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन है हावड़ा में तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ठीक है हावड़ा कोलकाता में है तो इन्होंने कोलकाता लिखा है वो भी गलत नहीं है बिल्कुल सही है ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज पर्पस ऑफ बॉटनिकल गार्डन वे बॉटनिकल गार्डन का मेन पर्पस क्या होता है किस काम आते हैं बॉटनिकल गार्डन जल्दी से बताना व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बॉटनिकल गार्डन हा जी तो बॉटनिकल गार्डन्स का जो यूज है तो क्या हुआ है? जल्दी से बताएं क्यों होते हैं बोटेल गार्डन बोटानिकल गार्डन पे आप गा नोटिस के गा, पर लेबल लगाया नेम को मेंशन के जाता है तो ये क्या फायदा क्या है इससे आइडेंटिफिकेशन पर्पज श्रद्धा वेरी आंसर तो इज आइडेंटिफिकेशन पर्पज प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है वो जिससे कि कोई भी बोटेनिकल गार्डन में घूमने जाएगा तो वो लोग क्या कर सकते हैं वो प्लांट के साइंटिफिक नेम सीख सकते हैं किस फैमिली का मेंबर है प्लांट उनसे ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे फॉर स्टडीज कौन सा टेक्सोनॉमिक एड में लिविंग प्लांट को यूज करते हैं फॉर स्टडीज जल्दी बताएं लिविंग प्लांट का यूज कौन से वाले टेक्सोनॉमिक एड में किया जाता है देखो डेड प्लांट्स का यूज तो हर्बेरियम में कर रहे थे पर लिविंग प्लांट का यूज कहां पर कर रहे हैं हम लोग वेरी गुड करेक्ट आंसर इज बॉटनिकल गार्डन्स में तो बॉटनिकल गार्डन में मैंने अभी, अभी आपको बताया वहां पर लेबल किया जाता है जो एक्चुअल प्लांट्स है उनके ऊपर लेबल कर दिया जाता है एक छोटा सा उनके बाद नेम प्लेट जैसा चिपका दिया जाता है उस पर उनका प्रॉपर नेम लिखा जाता है जल्दी जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन नेम दटेक्नोमिक एड विच इज यूज फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ये ऐसी कौन सी जगह है जहां पर प्लांट और एनिमल स्पीशीज दोनों को स्टडी किया जाता है पर यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया गया लिविंग तो क्वेश्चन आंसर पढ़े और बताएं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर प्लांट और एनिमल स्पीशीज दोनों को स्टडी किया जाता है पर मेंशन नहीं किया है लिविंग इसलिए ध्यान रखना सोचो और बता दो जल्दी से वेरी गुड करेक्ट आंसर इज दोनों को प्लांट को भी और एनिमल स्पीशीज को भी ठीक है याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेम द टेक्सोनॉमिकल एड वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर जल्दी से बताना वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन केयर के अंदर रखते हैं और, और कौन सा एनवायरमेंट में रखेंगे तो नेचुरल एनवायरमेंट जैसा होता है प्रोटेक्टेड नेचुरल एनवायरमेंट में रखा जाता है कौन सा पार्क है वो बिल्कुल दिस इज जूलॉजिकल पार्क क्या बोलते हैं इसको जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं बिल्कुल सही आंसर दिया है सबने अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं अभी आने वाले आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बाद मैं आपको क्या करूंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो एनसीआर के बाहर है पर आपके नीट के एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं और आप लोगों ने उनको कई बार पढ़ा हुआ है ठीक है कई बार आपने उन टर्म्स को सुना हुआ है तो वो एग्जाम में पुराने पेपर्स में आपको मिल जाएंगे तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूंगा जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी नहीं कम से कम पांच छह क्वेश्चन बाद या दस क्वेश्चन बाद व्हाट इज द मेन एम ऑफ जोलॉजिकल पार्क जोलॉजिक जोलॉजिकल पार्क जो उनका मेन एम क्या होता है क्या लर्न करना टू लर्न अबाउट द फूड टू लर्न अबाउट द फूड हैबिट्स एंड डैश टू लर्न अबाउट द फूड चीज? जूलॉजिकल पार्क हैं वो क्यों बनाए जाते हैं क्या स्टडी करना चाहते हैं हम उससे बिल्कुल तो हम स्टडी करना चाहते हैं उनका फूड हैबिट एंड बिहेवियर तो फूड हैबिट और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एनिमल्स का हम लो लोग जुलॉजिकल पार्क बिल्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू पे आते हैं इन कीज एक टेक्सोनोमिक एड है जिसका नाम है कीज इन कीज अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड वॉट जल्दी से कीज की अगर हम बात करें तो उनमें एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं एक बार सोचें और बताएं इन एक दूसरे का आंसर देख के आंसर नहीं करना है अच्छे से रीड करके आंसर करना है बिल्कुल तो करेक्ट आंसर इज कपलेट तो कपलेट क्या होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए द कीज आर बेस्ड ऑन 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 द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड एज कपलेट्स ठीक है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और इसमें जो कपलेट है इसमें दो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जो दोनों ऑप्शन होते हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं इनको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं ईच स्टेटमेंट ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड एज वॉट जल्दी से कमेंट करें Each statement in a key is called as जल्दी से Each statement in a key is called as हाँ वो रह नहीं गया वो मैंने जानबूझ के हटाया क्योंकि ये और ये लिंक्ड थे इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 के बाद में 54 इंटेंशनली पूछा है हाँ जल्दी से हाँ तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या लेड बोलते हैं तो याद रखना each statement of couplet is known as lead

मतलब एक्सेप्ट करते हो दूसरे को रिजेक्ट करते हो ऐसा है या नहीं है ट्रू ऑफ तो करेक्ट आंसर इज ट्रू हैं सब लोग है. है. है? जल्दी से बताना वॉट डज मोनोग्राफ कंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल मत भूलना एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो चार ऑप्शन देके वो पूछ सकते हैं आपसे हम गड़बड़ा जाएगी वट डज अ मोनोग्राफ कंटेन जल्दी जल्दी आंसर करो जल्दी जल्दी ऐसे स्टेशन बहुत लंबा चला जाता है जल्दी से वट डज अ मोनोग्राफ कंटेन जल्दी से वेरी गुड इंफॉर्मेशन ऑन वन टैक्सा तो ये किसी भी एक टैक्सा पे इंफॉर्मेशन देता है भैया मोनोग्राफ मोनोग्राफ जो है किसी भी एक टैक्सा पे इंफॉर्मेशन देता है जितने लोग आंसर दे रहे हैं वेरी नाइस आई विश आप सिलेक्ट हो जाए जो मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं आंसर दे दो अच्छा रहेगा जल्दी से तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 सिक्स विच विच कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया विच कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया बहुत आसान है बहुत आसान है बताना

अब सही आंसर है आप लोगों का मैनुअल्स इज द करेक्ट आंसर अब देखो ये सीधा सीधा ऐसा स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पे आ सकता है एक सिंगल वर्ड का आपको आंसर देना पड़ सकता है तो बहुत आसानी से आप ये चीजें याद भी रख सकते हो ये स्टेटमेंट तो तो याद रख सकते हो इनका आंसर याद रख सकते हो एग्जाम में सीधा सीधा आ भी सकता है तो तैयार रहो उसके लिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे आ जाते हैं जल्दी से देखना टेक्सोनोमिस्ट प्रिपेयर एंड एंडिमिटेट इंफॉर्मेशन थ्रू ए एंड बी जल्दी से बताना वेरी गुड मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स बिल्कुल आपको याद रखना है भैया मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स जो होते हैं इसके थ्रू ये किसी भी एक टेक्सन या किसी भी एक आ, कोई भी एक जनरा या फिर एक स्पीशीज के बारे में अच्छा खासा डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हैं जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन की अगर हम लोग बात करें द टेक्सनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉरिस्ट्री इंडस्ट्री एंड इन जनरल फॉर नोइंग अवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी ट्रू डायवर्सिटी ट्रूअॉल्स

और यहाँ पे जितने भी चीजें मेंशन की सब कुछ क्वेश्चन बन सकता है आपको याद रखना ऐसा ही पूछा एक कोई डिफरेंट आंसर लिख देंगे ऑप्शन लिख देंगे तो पहला चीज तो ये लिख देंगे डिड नॉट डिस्टिंग बिटवीन यू ऑप्शन डिड नॉट डिस्टिंग बिटवीन यूनसेल सेकंड ऑप्शन डिड नॉट डिस्टिंग बिटवीन ऑर्गेजम एंड फोटोस फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक नॉन तीन ऑप्शन तो हो ही गए फोर्थ ऑप्शन लिख देंगे गलत वाला तो वो आपको मार्क करना पड़ेगा समझ गए तो ऐसा कर सकते हैं लो। ये लोग ये ट्रू स्टेटमेंट दिया है एरेस्टोटल यूज्ड सिंपल मोफोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ए बी एंड सी जल्दी बताएं एरेस्टोटल जो थे सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था

under all different systems the understanding of what group organisms be included under these kingdoms have been changing the c and d of other kingdom have also been understood though a and b kingdoms have been a constant under all different systems the understanding of which of what group organisms be included under these kingdom जल्दी से बताओ ए और बी क्या है और सी और डी क्या है तो ए और बी क्या है तो कुछ लोगों ने यहाँ पे मार्क किया है ए और बी को ए और बी जो है आप लोगों ने बिल्कुल सही मार्क किया है हम बात करें यहाँ पे मेंशन किया गया है प्लांट एंड एनिमल तो ए है प्लांट बी mm. है एनिमल सी mm. और डी क्या है सी और डी क्या है वेरी गुड काफी लोगों ने मार्क कर दिया सी एंडी इज नंबर एंड नेचर वेरी गुड नंबर एंड नेचर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर पे आएंगे अब देखो यहां पे खास चीज है ये पूरा चार्ट एनसीआरटी में एक मेंशन किया गया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक चार्ट मेंशन किया गया है जिसमें आपने को मोनेरा प्रोटेस्टा डैश प्लांटे एनिमिलिया के बारे में पढ़ा है डैश क्यों बोला क्योंकि यहां पर आपको आंसर देना है ए क्या है यहाँ पे आंसर आपको देना पड़ेगा तो कोई बता पाएगा ए क्या है जल्दी से कमेंट करें इस चार्ट में जो ए मेंशन किया गया ये क्या है मोनेरा प्रोटेस्टा डैश प्लांटे एनिमिलिया ओके अच्छा इसमें हम बात करें बी क्या है जल्दी से कमेंट करें बी क्या है ए बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने फंगस है तो मोनेरा प्रोटेस्टा फंजा प्लांटे यानी होता है तो आप लोगों ने वो तो सही बता दिया जल्दी से बताएं यहां पर बी क्या है बी बी क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट किंगडम के पास एब्सेंट सेकंड के पास प्रेजेंट थर्ड के पास प्रेजेंट फोर्थ के पास प्रेजेंट लास्ट वाले जो है उनके पास ना प्रेजेंट है कि नहीं है तो वेरी गुड सबका आंसर सही है करेक्ट आंसर दिस प्रेजेंट आएगा अच्छा जल्दी से बताओ यहाँ थर्ड वाले जो ब्लॉक है इसमें क्या है सी क्या है यहां पे सी जल्दी से कमेंट करें सी क्या है यहां पे जो सी मेंशन किया गया है वो क्या है वेरी गुड सी इज सेल्यूलर सी क्या है यहां पे सेल्युलर बिल्कुल सही दिया है लास्ट आ जाओ डी क्या मेंशन किया गया डी क्या है यहां पे डी क्या होता है जल्दी से बताएं डी क्या है इस चार्ट में एनसीआर का चार्ट है कुछ नया नहीं है जल्दी बताएं डी क्या है बिल्कुल सही है दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो डी है यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है तो अब देखो जल्दी से पहला क्वेश्चन यही है कि ए बी सी डी क्या है तो आप लोगों ने मार्क कर दिया ए बी सी डी क्या क्या चीजें हैं? ये रही. देखो ए था फंगस बी प्रेजेंट सी सेलर एंड डी इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव पे आ जाते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन नंबर से 68, जो भी रहेंगे वो सब ऊपर वाले चार्ट पे बेस्ड आंसर होना चाहिए से ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हाउ मेनी किंगडम्स इंक्लूड प्रोड्यूसर्स एंड नेम दीज किंगडम्स कितने किंगडम है जिनमें से प्रोड्यूसर्स मिलने वाले हैं आपको हाउ मेनी किंगडम्स आर ऑफ प्रोड्यूसर्स हाउ मेनी किंगडम्स आर ऑफ प्रोड्यूसर्स अब ये चार्ट पे बेस कैसे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे वाले कौन से किंगडम्स जिसमें आपको प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे बिल्कुल मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला था अभी थोड़ी देर में दूंगा मेरे बिल्कुल मैं सोच कर रखा है बताने का पर हम पहले ये चार्ट वाले क्वेश्चंस निपटा लें इसके जस्ट बाद में वो इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जल्दी से बताओ हाउ मेनी किंगडम्स इंक्लूड प्रोड्यूसर्स किंगडम के नाम लिखने हैं तो प्लांटे तो हर कोई लिखी देगा प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम के अलावा भी कोई गुड श्रावनी तो हो, हो गया एक और बता दो जल्दी से एक और किंगडम है अरुंधति वेरी नाइस मोनेरा प्लांट्स एंड प्रोटेस्टा इज द करेक्ट आंसर तो भैया मोनेरा प्रोटेस्टा और प्लांटे मोनेरा में कई सारे बैक्टीरिया जैसे कि साइनो बैक्टीरियाज होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं प्रोड्यूसर्स भी होते हैं वो ठीक है कई सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो भी प्रोड्यूसर्स हो गए है ना जैसे एस टू एस का यूज करते हैं अगर प्रोटेस्टा की बात करें तो प्रोटेस्टा में भी आपको कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूग्लिना की हम बात करें यूगलिन जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं इसके बाद अगर हम बात करें प्लांटे की तो प्लांटे में सबके सब कैसे हैं फोटोसिंथेटिक ही तो वहां तो कुछ पूछने लायक रही नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इन इन विच किंगडम यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेजम्स आर प्लेस्ड कौन से किंगडम में आपको यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मिलने वाले हैं जल्दी बताएं कौन सा किंगडम है विच किंगडम वेरी गुड श्रद्धा अंधति प्रज्वल करेक्ट आंसर इज प्रोटेस्टा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन पे आ जाते हैं इन हाउ मेनी किंगडम्स किंगल्यूलोजिक सेलवॉल प्रेजेंट इन हाउ मेनी सेल वॉल्ड ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट कितने किंगडम है जिनमें आपको जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो उनके पास में आपको सेलोस की सेल वॉल मिलने वाली है जल्दी से बताएं सेल्यूलोस की सेल वॉल पूछी गई है कितने किंगडम के मेंबर हैं जिनके पास में आपको सेलोस की सेल वॉल मिल जाएगी बिल्कुल करेक्ट आंसर इज टू कौन कौन से है भी बताना है आपको करेक्ट आंसर तो टू आप लोगों ने दे दिया बिल्कुल सही है कौन कौन से है ये भी आपको मेंशन करना है ओके प्रोटेस्टा एंड प्लांटे फंजाय नहीं है बेटा प्रोटेस्टा एंड प्लांटे फंजाई में आपको क्या मिलेगा काइटिन मिलेगा काइटिन मिलेगा और फंगल सेलोस फंगल सेलोस नॉर्मल सेलोस से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है इसलिए आपको क्या याद रखना है आपको याद रखना है सेलुलोज एक सेल वॉल आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है प्रोटेस्टा एंड प्लांटे तो प्रोटेस्टा के केस में और प्लांटे के केस में आपको देखने के लिए मिल जाएगी क्या सेलुलोज सेल वॉल क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाओ फ्रॉम द अबव टेबल उ मेनी कैरेक्टर्स आर अनकॉमन बिटवीन फंजाई एंड भैया कितने कैरेक्टर ऊपर वाली टेबल के हिसाब से कितने कैरेक्टर अनकॉमन थे फंगस के बीच में और प्लांट के बीच में तो प्लांट और फंगस के बीच में क्या क्या डिफरेंट था क्या सेल बॉल में डिफरेंस था ये सोनो जल्दी बताए मैं आसान कर रहा हूं आपके लिए इतना बता दो सेल बॉल डिफरेंट थी दोनों की कि नहीं ये सोनो जल्दी जल्दी हाँ वेरी गुड तो सबने लिखा है यस yes. तो एक डिफरेंस सेल वॉल में आ गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है कि सेम है जल्दी बताओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है तो डी लिख दो सेम है तो एस लिख दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है तो डी लिख दो सेम है तो एस लिख दो जल्दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है वैसे एपरोफाइटिक होते हैं फंगस और हम यहां पर बात करें फंगस पैरासाइटिक भी हो सकती है एलबू के केस एलबी की अगर हम लोग बात करें तो पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें प्लांट की बात करें तो कैसे होते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस प्रेजेंट है डिफरेंट yes no, है, है जल्दी से कुछ ना कुछ बताओ सेम या डिफरेंट वेरी गुड हाँ जी बिल्कुल मैक्सिम लोगों ने अपने आंसर सही सही दे दिए हैं तो ये भैया तीन डिफरेंट सेल है मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है फंगस के बीच में और प्लांटे के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ शेप हाउ मैनी ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर देर नेम्स शेप के बेसिस पे जाए तो हाउ मैनी बैक्टीरियाज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ shape, how many group of bacteria are formed and what are their names? Shape एंड व्हाट आर देयर नेम्स शेप के बेसिस पे कितने टाइप में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है शेप के बेसिस पे कितने टाइप में डिवाइड किया गया बैक्टीरिया को पहले तो बता दो कितने टाइप्स हैं ठीक है तीन लोगों ने आंसर दिया चार लोगों ने दे दिया करेक्ट आंसर इज फोर चार टाइप में डिवाइड किया गया है वेरी गुड अभी कॉकाय स्पाइरोला बेसिलाय विब्रियोस बेसिलस ये आपको याद रखना है चार टाइप है अब चलो अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सुन लो हाँ वेरी गुड सबने आंसर सही लिख दिया है अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मतलब कि एनसीईआरटी के लाइंस नहीं है टाइप ऑफ स्पीसीमेंट के अगर बात करें आइसो टाइप क्या होता है आइसो टाइप अच्छा और होलो टाइप क्या होता है होलो टाइप अब देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो डिफाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप उसको एक 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 आप उसका देते हो ऑर्गेनिज्म का समझ रहे हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करते हो उसका एग्जाम्पल देते हो उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं उसको होलोटाइप बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसका एग्जाम्पल दिया आपने उसको क्या बोल दिया आपने उसको होलोटाइप बोल दिया उसका ठीक है पर अगर लोग अगर की बात करें तो इसमें क्या होगा दो सिमिलर होलोटाइप्स मिल जाएंगे मतलब कि दो आइडेंटिकल दिखाई देंगे आपको तो दो सिमिलर कंडीशन को हम लोग है तो वो क्या होता है कमेंट करें जल्दी से पैराटाइप क्या होता है मतलब एक स्पीच हमारे पास में पहले से ही था और एक स्पीच अभी आ गया दोनों अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो आइसोटाइप है ना पैराटाइप क्या होता है जल्दी से मेरे पास पहले से ही क्लासिफिकेशन में एक स्पीसीमैन था एक नया स्पीसीमैन में लेके आ गया और दोनों स्पीसीमैन सिमिलर है तो इस चीज को बोलेंगे आइसोटाइप पैराटाइप का मतलब क्या हो गया ओके okay. हाँ जी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या पैराटाइप मतलब कि दो स्पीशीज आप लोगों ने देखी एक स्पीसी मैंने आपको दिखाया था दूसरा जब मैंने आपको दिखाया तो वो दोनों में क्या था थोड़ा थोड़ा डिफरेंस प्रेजेंट इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं पैराटाइप बोलते हैं ठीक है तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा नियोटाइप को कौल सुन लो नियोटाइप वाली कंडीशन क्या होती है न्योटाइप वाली कंडीशन तब वो होती है जहां पर आपको कोई ऑर्गेनिज्म की डिटेल मिसिंग हो गई है तो आपको उस ऑर्गेनिज्म को रीनेम करना पड़ रहा है फिर से उसको एक नया नाम देना पड़ रहा है तो उस चीज को लोग क्या बोलते हैं नियोटाइप मतलब कि न्यू नेम एंड क्लेचर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर ओरिजिनल मटेरियल मेटे, जो है इट इज मिसिंग ठीक है तो न्यूटाइप कंडीशन आ जाती है वो समझ रहे हो आप लोग तो आइसो टाइप मतलब कि जो स्पीशीज आपने कभी पहले डिस्क्राइब कर दी है वही सेम स्पीशीज मिल गई तो आइसो टाइप हो गई अगर आपने जो स्पीशीज पहले डिस्क्राइब की है उससे थोड़ी डिफरेंट स्पीशीज मिल गई तो आप पैराटाइप बोल दोगे अगर एक स्पीशीज आपने ढूंढी थी पर वो मिसिंग हो गया उसका मटेरियल वो जो स्पीशीज है उसका मटेरियल मिसिंग हो गया मतलब मैंने पहले एक स्पीशीज डिस्क्राइब करके रखी है बिल्कुल वैसी एक स्पीशीज मिली मुझे जब मैं उस स्पीशीज को लेके आया मैच करने के लिए तो पता चला पुरानी स्पीशीज गायब है तो इस चीज को अपन लोग क्या बोलेंगे नियो टाइप तो आपको नया नाम देना पड़ेगा नए तरीके से नॉमन क्लेचर करना पड़ेगा समझ रहे हैं ये कंडीशन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी अच्छा अभी देखो जल्दी से अब आते हैं वापस से हमारे क्वेश्चन पे तो दो तीन टर्म्स दे मैंने ऐसे सुना दिए आपको रटना नहीं है पर आपको याद रखना है फिर भी थोड़ा बहुत आपने सुना हो तो अभी कम दिन बचे हैं इसलिए आपके दिमाग में रहेगा अब देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेवनटी पे आ जाते हैं करें स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी चलिए स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले वो लाइक like का बटन वहां पे है उसको दबाएं लाइक करें सत्तर क्वेश्चन तक पहुंच गए हो बड़ी मेहनत करके बहुत तो अच्छी बात है ये तो जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लोग लो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। तो कर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी के साथ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन आर चेंजिंग ओवर टाइम वाई जल्दी से बताएं जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग ऐसा क्यों चेंज होता रहता है साथ क्राइटेरिया क्या रीजन है तो ये ऑर्गेनिज्म में चेंज हो रहा है क्या हमारे समझने में चेंज हो रहा है हम ऑर्गेनिज्म को अब समझ पा रहे हैं डिफरेंट तरीके से ऐसा हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म ही बदलते जा रहे हैं कोई पूछे है, जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग ओवर टाइम व्हाट इज द रीजन तो आप क्या रीजन दोगे क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि ऑर्गेनिज्म बदल रहे हैं वेरी गुड श्रद्धा करेक्ट आंसर इज इंप्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग भैया हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल रही है अब हम चीजों को थोड़ा अलग तरीके से समझने लगे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्निक डेवलप होती जा रही है जैसे कि माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए और हजार चीजें हजार तरीके के इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो गए डेवलप हो गए है ना इंक्यूबेटर्स हैं छत्तीस तरीके की मशीन हमारे पास डेवलप हो गई है मशीन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं अब इन मशीन्स की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं मैक्सिमम कैरेक्टर्स को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं तो हमारी जो में हुआ है, हुआ है हमारी में। समझ को पढ़ने में समझ है हम लोग, अब, हो थोड़ा सा हो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन ऑल ए ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा एंड प्लेस्ड इन किंगडम बी जल्दी से कब... आंसर मार्क करें ए और बी क्या है यहां पे ऑल ए ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलर यू कैरियॉर्ड्स आर प्लेस्ड इन किंगडम बी जल्दी बताएं ए और बी क्या है कुछ भी टफ नहीं, नहीं है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये इतना सा है कि किंगडम में यूनिसेलर यू कैरियोट मिलते हैं कुछ टफ नहीं है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आसानी से मार्क किया जा सकता है सोचे और सोच विचार कर जवाब दें बिल्कुल सही मार्क किया है सबने वेरी गुड नहीं एक गड़बड़ हो गई है यू कैरियड पेरिस ही है बेटा कुछ लोगों ने गड़बड़ की है तो करेक्ट आंसरिज्म जगह कहां पर है एंड यूनिलर यूकैर किंग कहां पर प्लेस किया गया है किंगडम प्रोटेस्टा में प्लेस किया गया है समझ रहे हो अच्छा अभी देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं Clemidobonas and amoeba are classified in kingdom protista according to Whittaker's classification system. But by earlier classification systems, both these organisms are classified in different kingdoms. True or false? Jaldi Badana. and amoeba are classified in the kingdom protista according to Whitaker's classification system but by earlier classification system both these organisms are classified in different kingdoms true or false jaldi batayin. है तो आपने आंसर दिया है ट्रू विच इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल याद रखना ये भी एनसीआरटी का पॉइंट है लाइन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री पे आ जाते हैं द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी ए देर आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बी जल्दी से बताएं द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी ए देर आर देर आर Very complex in B. Okay. बड़े कम आंसर आ रहे हैं इसमें जल्दी से मार्क करें क्या होना चाहिए आंसर एनसीआरटी अगर आपने रीड किए ढंग से तो आपको ये आंसर बड़े आसानी से आ जाएंगे नहीं की है तो दिक्कत देंगे ही देंगे देखते हैं कई लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं यहाँ पे जल्दी से मार्क करें करेक्ट आंसर इज सिंपल एंड बिहेवियर द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज अ वेरी सिंपल इज वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर तो स्ट्रक्चर सिंपल है पर बिहेवियर कैसा है इनका तो इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर कैसा है इनका तो स्ट्रक्चर इज सिंपल तो ये आप सिंपली आंसर कर सकते थे समझ रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोड्रॉप्स ट्रुआफॉल्स जल्दी से बताए द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोड्रॉप्स ट्रू ओफॉल्स बहुत बढ़िया काफी लोगों का आंसर सही हो गया है करेक्ट आंसर इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब यहां बहुत सारे स्टेटमेंट मेंशन किए गए हैं आपको बताना है किसके लिए स्टेटमेंट चलो फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स हैव कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर सर्वाइव इन मार्श हैबिटेट अब स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू विच ऑफ द आर्की बैक्टीरिया विच आरकी बैक्टीरिया जल्दी कमेंट करना है जल्दी से बहुत बढ़िया काफी लोगों ने आंसर दे दिया और करेक्ट आंसर इज मिथेनोजन्स मिथेनोजेंस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कई लोग जो ये इतना सिंपल आंसर नहीं दे पा रहे मैं आपको बता दू इसमें टू पे क्वेश्चन आ चुका है यही सेम इन्फॉर्मेशन पे 2009 में क्वेश्चन आ चुका है रूमिनेट एनिमल की जो गट में मीथेन का प्रोडक्शन करने वाला बैक्टीरिया है वो कौन सा है मिथेनोजन Methanogen. मिथेनोजन्स के बारे में क्वेश्चन आया था और आया था कि जो रूमेडेंट एनिमल्स होते हैं उनका जो डंग है जिसको हम डंग बोल रहे हैं है ना उस डंग के अंदर आपको एक एक्टेस्टिक स्मेल आती है वो किस चीज की आती है मिथेन की आती है कौन प्रोड्यूस करता है मिथेनोजन प्रोड्यूस करते हैं ठीक है मार्शी हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं कौन मिथेनोजन प्रोड्यूस होते हैं तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दू क्वेश्चन जरूर आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी पे आते हैं

आपको जैसे आंसर पता चल गया मैंने अनाउंस कर दिया उसके बाद आप उस आंसर को कर दें क्योंकि बहुत जरूरी है जब तक आप एक बार लिखोगे नहीं आपको इतने आसानी से याद होगा भी नहीं देखो टू अदर कंपेयरिज्मिक डायवर्सिटी तो आंसर आ गया आपका क्या बैक्टीरिया क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाते हैं विच ऑर्गेजम सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन वेरी इंपॉर्टेंट जल्दी से आंसर करें बहुत बढ़िया काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया करेक्ट आंसर इज माइको बिल्कुल सही है आपको याद रखना है माइको इट इज द करेक्ट आंसर कॉलेरा टाइफ टिटेनस सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज कॉस्ड बाय जल्दी से बताएं सिट्रस कैंकर हो गया कोलेरा हो गया टाइफॉइड टिटेनस ये सब के सब कुछ बड़े फेमस डिसीज है कौन कॉज करता है पॉजिटिव एजेंट कौन है अगेन इंपॉर्टेंट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से भी क्वेश्चन इसका आ सकता था जल्दी बताएं करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया बी ए सी मत लिखना बी ए सी इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम अगर बी ए सी लिखना भी है तो शॉर्ट में लिखो शॉर्ट फॉर्म में मतलब कि ऐसा नहीं लिखना स्मॉल लेटर्स में लिखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन इन विच ऑर्गेनिज्म इन विच किंगडम क्रिस्ोफाइट स्लाइम यूग्लोल्स एंड प्रोटोजो आर इंक्लूडेड जल्दी से बताएं बहुत आसान है जल्दी मार्क करें ंगडम क्रिशोफाइटा डायनोफ्लेज्लीनोइड स्लाइमोल्ड एंड प्रोटोज आर इंक्लूडेड करेक्ट आंसर इज किंगडम प्रोटेस्टा तो किंगडम प्रोटेस्टा के जो मेंबर्स हैं उनके केस में आपको यह कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्रिस्ोफाइट विच आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन जल्दी बताएं कौन से क्रिसोफाइट्स हैं जो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा फिर बाद में सर पटकोगे जल्दी बताओ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट मैं लिख दू एक बार कौन सा क्रिसोफाइट है भैया जो चीफ प्रोड्यूसर है भैया ओशियन का ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर बोला गया है जिसको कौन है बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने डायटम इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन एटी वन वॉट प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट प्रोसेस टू फ्लेजिला वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड अदर ट्रांसवर्सली ये हुई ना बात जल्दी बताओ जल्दी से वॉट प्रोटेस्ट ज टू फ्लेजिला वन लाइफ लॉन्गिट्यूडनली एन अदर ट्रांसवर्सली ऐसा क्वेश्चन है जल्दी बताए कौन है जिसके पास में एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स फ्लेजिला प्रेजेंट है कौन सा प्रोटेस्ट है वो जल्दी वेरी नाइस करेक्ट आंसर इज डायनो फ्लेजुलेट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रीड द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रोटेस्ट लेस स्पोर्ट फेज अब ऑर्गेनिज्म शुड बी डैश जल्दी बताओ कौन हो सकता है किसके करेक्टर्स को यहाँ पे मैंने लिख के दिया है जल्दी से बताना है आपको दिज आर दिस्टिक्स ऑफ सेप्रोफाइटिक नेचर किसका है स्पोर्ट विथ ट्रू वॉल्स कौन बनाता है वॉल लेस वेजिटेटिव फेस किसके में प्रेजेंट होगी जल्दी से बताए वॉल लेस वेजिटेटिव फेस किसके में प्रेजेंट होगी बिल्कुल सही तो करेक्ट आंसर है स्लाइम मोल्ड्स तो आप लोगों को याद रखना है स्लाइम मोल्ड्स के है। अब है क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा है एक पर एक्चुअली मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। कैसे यहां पे लिखा है स्पोर्स विथ ट्रू वॉल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ आप दोगे आंसर स्लाइम मोल्ड वॉल लेस प्रेजेंट इन केस ऑफ आंसर आएगा स्लाइम मोल्ड है ना चलो देख देखो हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड डैश व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल सबको मालूम होगा इस लेयर का नाम यूग्लिनोइड जो है इनके पास में एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है व्हिच इज कॉल्ड एज जल्दी क्या बोलते हैं उसको बिल्कुल सही इसको बोलते हैं पेलिकल तो पेलिकल इज अ प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट इन ऑफ एनिमल्स कौन है भैया कौन है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल जल्दी कमेंट करें डैश आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स जल्दी से किसको बोला गया है प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स वेरी नाइस nice. बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने द करेक्ट आंसर इज जो होते हैंजम्स आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर ब्रेड और बियर के फॉर्मेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म का आप यूज करते हो ब्रेड और बियर के फॉर्मेशन के लिए आप कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज करते हो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेड और बियर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जल्दी से यीस्ट इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल यूनिसेलर फंगस यीस्ट या फिर सिंपली यीस्ट भी लिख सकते थे दैट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाते हैं सम हाइफे आर कंटीन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद सम हाइफे आर द कंटीन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद सम हाइफे आर द कंटीन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म दीज आर कॉल्ड टूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्ट साइटोप्लाजम दीज आर कॉल्ड वेरी नाइस वेरी गुड करेक्टर है तो एसपर एनसीआर जाना है जल्दी बताओ दल वॉल ऑफ फंगस इज कंपोज ऑफ फंजाई की सेल वॉल किस चीज से बनती है वेरी नाइस nice. काफी लोगों ने आंसर मार्क कर दिया है चिटिन चिटिन नहीं है काइटिन 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 है तो इज द करेक्ट आंसर और अगर आपको मार्क करना है तो काइटिन ऑफ पॉलिसेक्राइड ठीक है पॉलिसेक्राइड मतलब कौन फंगल सेलोज से कार्बोहाइड्रेट इसलिए उसको सेक्राइड बोलते हैं इट इज इट इज अ पॉलिसेक्राइड ज्यादा अच्छा क्या रहेगा आप बोले काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड क्योंकि एनसीआरटी ने मार्क किया है जल्दी और स्पेसिफिक जाओगे तो फंगल सेलोज बोल सकते थे अब देखो जल्दी से फंजाए प्रफर टू ग्रो इन वॉट टाइप ऑफ हैबिटेट जल्दी से माफ करना फंगस को जो हैबिटेट पसंद है वो कौन सा है फंगस ग्रो प्रीफर टू तो ग्रो इन वॉट टाइप ऑफ हैबिटेट जल्दी से कैसी जगह वेरी नाइस nice श्रद्धा बिल्कुल सही आंसर लिखा है अरुंधति बिल्कुल सही वॉर्म एंड ह्यूमिड प्लेसेज तो वार्म और ह्यूमिड प्लेसेज जो है ये प्रेफर करते हैं कौन फंगस किसके लिए ग्रोथ के लिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन पे आ जाते हैं राइट द नेम ऑफ थ्री स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस फंगस में सेक्सुअल प्रोडक्शन के तीन स्टेप्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी से बताएं और एक और बात बता दो एस्टोमाइसिटीज और जो होते हैं इनमें आपको डायकेरेटिक वाला माइसिलियम मिल जाएगा जो कि प्रोसेस से फॉर्म हो जाता है बिल्कुल श्रद्धा एंड मयूरी वेरी नाइस बिल्कुल सही स्टेप लिखे हैं अगेन वेरी नाइस देखो जल्दी से प्लाज्मी कैरियोगेमी और मियोसिस तीन चीजें हैं प्लाज्मोगेमी होगा कैरियोगेमी होगा मियोसिस होगा दो हाइफे का फ्यूजन होगा तो उसको बोलेंगे प्लाज्मेमी

तो बेसिडियम क्या है इट इज डायकेटिक फेज प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज़ समझ रहे हो तो हाइफा में फ्यूजन होता है जिसकी वजह से मल्टीन्यूक्ट कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाती है चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे जाते हैं बाय बेसिस किंगडम डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस बाय बेसिस किंगडम डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंगस जो है उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है क्या कारण है कि उनको आपने क्लासिफाई किया किस बेसिस क्लासिफाई किया है सीधा एग्जाम में आने लाइक क्वेश्चन है इसका आंसर आना ही चाहिए उस इंसान को जिसको सिलेक्ट होना है सोचो और बताओ जल्दी से थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं इसके लिए जल्दी बताओ किंगडम फंगस को बनाया कैसे गया उसके जो जो डिविजन किए गए वो कैसे किए गए किंगडम फंजाय को कैसे डिवाइड किया गया है वेरी गुड अरविंद सिर्फ एक ही आंसर आ पाया है बाकी लोगों को शायद पता ही नहीं आंसर तो स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ स्पोर बिल्कुल सही है आपका तो याद रखना मोफोलॉजी मोड ऑफ न्यूट्रीशन मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है मोफोलॉजी याद रखना फंगस का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है तो मोफोलॉजी ऑफ माइसीलियम ठीक है फंगस में दो हाइफा या मल्टीपल हाइफा के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे माइसिलियम बोलते हैं माइसीलियम की मोर्फोलॉजी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन का जो तरीका है वो ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है क्या चीज ंग वु इन मॉइस्ट एंड डैम्प्लेस एज एन ऑब्लिगेटरी पैरासाइट किसके लिए भैया कौन सी क्लास ऑफ फंगल के लिए मैं इन्फॉर्मेशन जल्दी कमेंट करें

फंगस इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क बहुत आसान है बहुत आसान है सोचो और बताओ इसको हमने ड्रोसोफिला भी बोला है। जिसका नाम आपको आंसर में मैंशन में करना है वो ड्रोसोफिला भी है तो विच फंगस इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क तो भैया जेनेटिक वर्क में, में, में दल, वो, ने भी इसको यूज किया है जल्दी से बता दें बिल्कुल तो करेक्ट आंसर इज न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो कि श्रद्धा ने आंसर दिया है वेरी गुड बाकी लोग भी याद रखें भाई ये भूलने लायक चीजें नहीं है याद रखना न्यूरोस्पोरा जो है इट इज यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर नाइंटी थ्री पे आ जाते हैं द बेसिडियो स्पोर आर ए प्रोड्यूस्ड ऑन द बी द बेसिडियो स्पोर्स आर ए प्रोड्यूस्ड ऑन बी भैया सपोज कैसे होते हैं एंडोजिनस होते हैं के एक्सोजिनस होते हैं और किसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं ये आपको आंसर देना है जल्दी से वैसे ये इतनी सी चीज आपको बता देगी कि, कि ये एंडोजेनस है कि एक्सोजेनस है यहां जो ऑन लिखा है उसी से पता चल जाता है जल्दी से कमेंट करें बिल्कुल सही आंसर है तो याद रखना है आप लोगों को बेसिडियो जो होते हैं उनमें जो बेसिडियो स्पोर्स हैं वो एक्चुअली एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं कैसे स्पोर्स होते हैं स्पोर्स और काोड होते हैं तो फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी फ्रूटिंग बॉडीज उस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेसिडियम बेसिडियम क्या है इट इज डायटेक माइसीलियम मतलब एक ऐसा माइसिलियम जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुए कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है दो गए यहां ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए हैं नहीं हुए हैं तो ये डाइकैरेटिक और दो हाइफे का फ्यूजन हुआ तो क्या बन गया माइसिलियम तो डायरेटिक माइसिलियम बन गया है इसको बोलते हैं बेसिडियम ठीक है ये बेसिडियम जब जर्मिनेट करना शुरू करेगा ये दोनों का फ्यूजन हो जाएगा उसके बाद मियोसिस की प्रोसेस चलेगी आगे जाके फॉर्मेशन होता है बेसिडियो कार्ड का बेसिडियो कार्ड के ऊपर लगेंगे क्या चीज तो बेसिडियो कार्ड के ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा इनको बोलेंगे हम लोग क्या सॉरी बेसिडियम बनेगा बेसिडियम के ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और याद रखना जो भी स्पोर्स बनेंगे वो ऊपर चिपके होंगे अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे इसलिए इनको बोलेंगे एक्सोजेनस स्पोर्स अगर अंदर फॉर्मेशन होता तो बोलते हैं स्पोर्स चलो ये प्रोसेस हटाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर मशरूम ब्रेकेट बिलोंग्स टू फंगल क्लास जल्दी से बताना है मशरूम ब्रैकेट फंजाई स्मट फंजाए बिलोंग टू विच फंगल क्लास कौन से क्लास के मेंबर हैं कुछ टफ नहीं है इसमें जल्दी से कमेंट करें जल्दी बताओ सब लोग मशरूम ब्रैकेट फंजाई एंड स्मट फंजा बिलोंग्स टू विच फंगल क्लास वेसिडियम इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल बेसिडियम बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी बेसिडियो माइसिटीज इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव पे आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फंगल क्लास डैश आर डी कंपोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फंगल क्लास आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग भैया कौन है ये जो डिकम्पोजर्स हैं लिटर के जल्दी बताएं बताए मिनरल साइक्लिंग भी करवाते हैं मार्क कर दो मार्क कर दो वहां इंपॉर्टेंट है जल्दी बताओ कौन सी फंगल क्लास के मेंबर्स हैं जो डिकम्पोजिशन करेंगे लेटर का और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं भैया मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं कहां गए मेजोरिटी ऑफ लोग क्यों नहीं आ रहा भैया आंसर ये लास्ट टाइम है आप लोगों को नीट में जाने से पहले रिवीजन करने का आखिरी चांस ठीक है तो जो भी आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं अभी अभी पता चलते हैं तो उनको एक बार नोट डाउन जरूर करते हैं ठीक है कमेंट में चैट में क्या है करेक्ट आंसर ड्यूटेरोमाइसिटीज ठीक है लिटर क्या होता है लिटर क्या चीज है तो आपको प्लांट के जो रेमिनेंट्स हैं प्लांट का जो पार्ट टूट के गिरते हैं जैसे कि पत्तियां टूट के गिर रही हैं या फिर आप बोल दो कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट का है प्लांट की बार्क है वो शेड ऑफ हो रही है

आर डिप्लॉइड ए एंड द बी गैमिटोफाइट जल्दी बताऊं किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में दो फेजेस होती हैं एक होती है डिप्लॉइड डैश फेज एंड दूसरी होती है डैश कैमिटोफाइट। जल्दी बताएं वेरी गुड तो आप लोगों को याद रखना है दो फेज हैं एक है स्पोरोफाइट और एक है हैप्लोइड है है गैमेटोफाइट तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लोइड गैमेटोफाइट ऐसी दो फेजेस होती हैं किसी भी प्लांट के केस में समझ रहे हो डिप्लॉइड कंडीशन को बोलते हैं स्पोरोफाइटिक कंडीशन और जो हैप्लोइड फेज होती है उसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक कंडीशन समझ गए स्पोरोफाइट्स जो हैं वो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे गैमेटोफाइट गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे समझ रहे हो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ऑल ऑफ अस हु हैव द द इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू इट इज कॉज्ड बाय जल्दी से कमेंट करें कौन कॉज करता है आप में से कई लोगों ने मैंने हम सब ने कई क्या हर किसी ने कभी ना कभी कॉमन कोल्ड तो हम सबको हुआ ही है जुकाम तो हुआ ही है खांसी जुकाम सर्दी जुकाम से बोलते हैं कौन कॉज करता है इसको जल्दी बताएं एजेंट ऑफ कॉमन कोल्ड बिल्कुल टफ नहीं है बता सकते हो आप बड़े आसानी से हमें तो पूरा नाम भी नहीं चाहिए सिर्फ कैटेगरी चाहिए चलिए काफी लोग हैं जिन्होंने नाम मेंशन मेंशन कर दिया बिल्कुल सही मैं राइनो वायरस इज द करेक्ट आंसर आप राइनो भी हटा दो सिर्फ वायरस इज द करेक्ट आंसर राइनो भी से लगा दिया तो बहुत सही है ज्यादा अप्रोप्रिएट है विच किंगडम इज कैटे कैटेगराइज बाय हेट्रोट्रोफिक रेटिक ऑर्गेजम दैट आर मल्टी सेल्युलर एंड दे आर सेल लेक सेल वॉल भैया मल्टी सेल्युलर भी है सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं है हेट्रोट्रॉफिक भी है और यू कैरेटिक भी है किसकी बात हो रही है ये बिल्कुल सही है द करेक्ट आंसर इज किंगडम एनिमिलिया तो किंगडम के मेंबर मैयूरी वेरी नाइस करेक्ट आंसर मेंबर कैरेटिक होते हैं मल्टी है, है. सेलर भी होते हैं और उनके पास में वॉल भी प्रेजेंट नहीं है तो ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं किंग के मेंबर्स के हैं बिल्कुल सही आंसर है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन पे आ जाते हैं ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट एंड कस्कटा इज अ बी प्लांट जल्दी से बताएं ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाइट्रेप आर एग्जांपल्स ऑफ ए प्लांट एंड कस्कटा इज बी प्लांट पेपर में आने लायक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है तो ये भी भूलना नहीं है हाँ तो ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाइट्रेप जो है वो कैसे प्लांट हैं दे आर जल्दी आई एम वेटिंग दे आर इंसेक्टिव प्लांट कैसे प्लांट होते हैं तो आप लोगों को याद रखना है दे आर इंसेक्टिव प्लांट एंड कस्कटा एज कसकटा रिफ्लेक्स आपको याद हो अमरबेल हमने शायद अभी कुछ लेक्चर पहले ही क्वेश्चन किया है इस पर अमरबेल जो होती है वो कैसी होती है जल्दी से कमेंट करें जल्दी बताना है अमरबेल जो है वो कैसी है पैरासाइटिक होती है तो आपको याद रखना है एंड वीनस फ्लाई ट्रैप ब्लेडरबर्ट ये सब कैसा है दिस इज उसके अलावा जो कसकटा है इट इज पैरासाइटिक मैंगो के ऊपर भी हो सकती है पैरासाइटिक चलो मैंगो वैसे ऑर्चिड्स मिलते हैं क्वेश्चन नंबर हंड्रेड पे आ जाते हैं हंड्रेड क्वेश्चन देख लो हु हु कॉल्ड कॉन्टेजियम वाइबम हुईडम एंड वॉट फॉर कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडम जो है किसने बोला था और इसका मतलब क्या होता है जल्दी से बताएं वेरी नाइस nice. श्रद्धा मयूरी बाकी लोग जल्दी बताएं हर्ष बुद्धभूषण प्रज्वल कहाँ है भाई आंसर जल्दी बताएं ऐश्वर्या अंधति आंसर बताओ जल्दी से भाई I think इसको प्राइवेट करना ही पड़ेगा वीडियो को क्योंकि कई लोग क्या कर रहे हैं कि कर करके निकल रहे हैं क्यों निकल रहे हैं क्योंकि क्यों, उनको क्यों पता है भी? बाद में देख लेंगे तो इसको हटाई दूंगा मैं ज्यादा अच्छा रहेगा तो आंसर आप लोगों को याद रखना है आंसर इज एमडब्ल्यू बाइजेनिक एमडब्ल्यू बाइजेनिक जो है इन्होंने बताया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्रीडम एंड इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड क्या बोलते हैं ये दिस इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड चलिए एक सेकंड मैं पानी वानी पी लू आप लोग भी पानी वानी पिए और तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं देख लो जल्दी से रीड द फॉलोइंग सिम्टम्स मोजैक फॉर्मेशन लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग एंड दो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जल्दी से बताएं मोजैक फॉर्मेशन लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग ंग एंड वेन थी कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये वाले कैरेक्टर्स शो करते हैं कौन सी वाले ऑर्गेनिजम हैं जो इन कैरेक्टर्स को शो करते हैं बिल्कुल तो वायरसेस जो हैं ये क्या करते हैं जब भी किसी को अफेक्ट करेंगे प्लांट को तो प्लांट में ये करेक्टर्स को शो करेंगे तो आप लोग क्या देखना करेक्ट आंसर इज वायरसेस वायरसेस इज द करेक्ट आंसर हु सेट दैट

मयूरी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है करेक्ट आंसर इज डीजे इवानोस्की डीजे इवानोस्की कौन तो डीजे इवानोस्की जो है इन्होंने बताया था क्या दैट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरियाज डीजे वेनस्की ने बताया था दैट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरियाज आप लोगों से एक बड़ी अच्छी वाली रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको देना है नीट का एग्जाम और नीट के एग्जाम को देने के लिए आप अभी जो ये टेस्ट दे रहे हो या फिर जो भी मैं कोई क्विज आपसे के साथ मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये अकेला इम्पोर्टेंट नहीं है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो मैं टाइम दे रहा हूँ एक दिन का उस एक दिन में आपको एन की रीडिंग करनी है उसके बाद आके यहाँ पे इसको इसको सॉल्व करना है समझ रहे हो आप लोग क्योंकि क्या है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ कुछ लोग हैं जिन्होंने एनसीआर की प्रॉपर रीडिंग की है वो आंसर दे पा रहे हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं आंसर नहीं दे पा रहे हैं एक आध एक आध क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं इस चीज से सिलेक्शन नहीं हो पाते आपको क्या करना पड़ेगा आपको बिल्कुल फोकस्ड करना पड़ेगा तो आप याद रखो मैं एक काम कर रहा हूँ मैं यही जो क्वेश्चन हैं यहाँ आगे जाके पॉज करता हूँ हार्डली मेरे हिसाब से तो और ट्वेंटी क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद में मैं ये सेशन शाम को प्लेस कर रहा हूँ ठीक है इसका एक और पार्ट बना रहे हैं शाम को प्लेस कर रहा हूँ शाम तक प्रॉपरली एन को रीड करें ठीक है उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को क्योंकि क्या है ऐसे आप लोग अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो है ना और आप लोगों को नहीं आ रहे हैं आंसर इससे आपका जो क्या कह सकते हो आप मोरल भी डाउन होगा और थोड़ा सा स्ट्रेस आउट भी हो जाओगे ठीक है तो आपको स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हो तो आज क्या करो एनसीआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग करो कंप्लीट एनसीआरटी की कंप्लीट एनसीआरटी नहीं रीड कर सकते हो तो आप पहले तीन यूनिट रीड कर लो ठीक है फर्स्ट थ्री यूनिट मतलब कि सेल यूनिट तक आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो शाम को मैं इसका फिर से एक बार ये सारे क्वेश्चंस लेना चालू कर दूंगा जिससे कि क्या होगा आप लोग आंसर दे पाओगे समझ रहे हो ये आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए नहीं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए तो कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन वाला सीरीज आप कहीं भी अटेंड कर रहे हो मेरे चैनल पर नहीं किसी भी चैनल पर अटेंड कर रहे हो तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप लोग क्या करें हमेशा पढ़ के आए इसलिए तो पहले से सेट किया जाता है आपने नोटिस किया होगा ये ये मैंने आपको बहुत पहले ये लिंक शेयर कर दी थी है ना और आप देख सकते हो चैनल पर बहुत पहले से मतलब कल रात से ही आ गया था ये इन्फॉर्मेशन कि आज एक लेक्चर रहेगा मॉर्निंग सेवन थर्टी पे ये कल इसलिए शेयर किया था जिससे कि आप थोड़ा सा पढ़ पाए इसको समझ रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं अभी हम लगभग लेने वाले हैं 20 के बाद हमें क्या करूंगा जैसे अभी 100 के आसपास थे हम लोग वन ट्वेंटी तक मैं जा रहा हूं वन ट्वेंटी के बाद रिमेनिंग क्वेश्चन मैं शाम को लूंगा पार्ट थ्री में उसकी लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा तो कोई स्ट्रेस लिए बिना आप लोग क्या करें अच्छे से रिवाइज करो आज पूरा दिन शाम को आठ बजे में आपका लेक्चर शुरू करूंगा उस लेक्चर में आगे कंटिन्यू करूंगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना अच्छे पॉजिटिविटी के साथ में आप लोगों को शुरू करना है पॉजिटिविटी के साथ में प्रॉपर एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है इलेवेंथ की ठीक है जैसा जैसा मैं आपको कराता जा रहा हूं बायो में वैसा वैसा करते जाओ आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा ठीक है आपको जो भी है हर चीज याद है कुछ भी तुम भूले नहीं हो बस एक प्रॉब्लम है कि रिवाइज नहीं की है लंबे समय से इसलिए एकदम से क्लिक नहीं कर रही है एग्जाम में अगर टाइम ज्यादा लग गया कोई हर क्वेश्चन में तो आप आगे जाके कैसे क्लियर कर पाएंगे उसको समझ रहे हैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे टाइम ही नहीं मिलेगा इतना इसलिए हमको क्या करना है अभी मैं आपको टाइम दूंगा बीस क्वेश्चन के बाद इस सेशन को हम एंड करेंगे और जो थर्ड पार्ट है उसको शाम को लेने वाले हैं 8 पीएम पे तो 8 पीएम तक आपको प्रॉपर एन सी के टिल सेल यूनिट आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है एनसीआरटी से रीड करके आना है उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? यस सोनो yes no? जल्दी बताओ समझ गए करके आएंगे क्या शाम के लिए जल्दी बताओ यस yes? हाँ क्योंकि ये देखो एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन है यही तो आना है एग्जाम में

जल्दी से बताएं लाइकेंस केस की के अगर के हम बात करें तो इसमें एल्गल कंपोनेंट को हम ए बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को हम लोग बी बोलते हैं तो क्या है भैया ए क्या है बी वेरी गुड श्रद्धा ऐश्वर्या मयूरी करेक्ट आंसर इज ए इज फाइकोबायोट एंड बी इज ए क्या है फाइकोबायट होता है और बी क्या होता है माइकोबायट होता है बिल्कुल सही है Phycobion इस क्या होते हैं तो ये एल्गी के लिए बोलते हैं फाइकोबायट और फंजाई के लिए बोलते हैं माइको चलिए

कंपोज ऑफ वेरी गुड हाँ बिल्कुल सही आंसर हम आपकी अरविन्दति करेक्ट आंसर इज आर एन ए कंपोजिशन पूछा है बेटा आंसर अपन को देने से पहले बिल्कुल सोचना है क्या पूछा गया है कंपोज ऑफ इसका कंपोजिशन क्या है तो ये बनाए है आर एन ए से कौन है नहीं पूछा है इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है ये नहीं पूछा है एजेंट की कंपोजिशन क्या है ये पूछा है अब पहले ऑप्शन में अगर लिखा होगा तो मार्क कर बारे में बारे में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर वन वन सिक्स पर जाते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन शोज सिंबायोटिक एसोसिएशन वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर पायनियर टू बेन रॉक्स बहुत आसान है बताया जा सकता है बहुत आसान है जल्दी से बताएं वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर पे आ रहे हैं इन ए प्रिपेयर फूड फॉर बी एंड फंगजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्सॉर्ब सी फॉर इट्स पार्टनर जल्दी बताओ लाइक इन लाइक ए प्रिपेयर फूड बी एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्सॉर्ब सी फॉर इट्स पार्टनर ए प्रिपेयर फूड ए कौन है एलगी प्रिपेयर फूड बी इज फंजय एलगी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब वॉटर एंड मिनरल्स बिल्कुल सही है वॉटर एंड मिनरल्स फॉर इट्स पार्टनर बिल्कुल सही है याद रखना है अपन को स्पेसिफिकली so एनसीआरटी के लाइन है ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन वन एट विच टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट क्रोमोजोम नंबर क्रोमोजोम स्ट्रक्चर क्रोमोजोम बिहेवियर जल्दी से कौन सी टेक्सोनॉमी है भैया जो क्रोमोजोम नंबर क्रोमोजोम स्ट्रक्चर क्रोमोजोम बिहेवियर के बेसिस पे होती है आपको पहले ही बता दिया गया जल्दी से बताएं। ओके यहाँ दो तीन ऑप्शन देखने मिल रहे हैं सार्थक श्रद्धा <laughs> क्या तीनों का अलग अलग आंसर है ओके <laughs> हर्ष ने आंसर दिया है करेक्ट आंसर इज साइटोटेक्सोनॉमी बेटा इसको बोलते हैं साइटोटेक्सोनॉमी बोला जाता है तो करेक्ट आंसर है साइटोक्सोनॉमी क्वेश्चन नंबर वन वन नाइन पे आ जाते हैं वन वन नाइन देख लो जल्दी से मैच द कॉलम वन एंड टू वन एंड टू यहां पे मेंशन किए गए हैं यहां पे यूनिसेलर लिखा है यूनिसेलर को किसके साथ में मैच करेंगे आप लोग जल्दी से बताइए यूनिसेलर को हम लोग मैच करेंगे विथ with... ठीक है तो इसको मैच किया फोर्थ के साथ यूनिसेलर इज क्लेमाइडोमोनास थर्ड कोलोनियल कोनोलियन किसको बोलते हैं वोल्वॉक्स को फिलामेंटस फिल्मेंटस स्पाइरो प्लांट बॉडी कैल्प होता है तो ये आपको पूरा सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा यूनिसेर किसको बोला है क्लेमाइडोमोनास कोलोनियल किसको बोला गया है तो कोलोनियल होते हैं वोलवॉक्स बीन जैसा इनका एक स्ट्रक्चर होता है इनकी कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है ठीक है फुटबॉल लाइक शेप इनका कॉलोनी का मिलेगा फिलामेंटस कौन से है तो स्पाइरो याद रखना उसके अलावा मैसिव प्लांट बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो किसके आसमें मिलेगी आपको के केस में देखने के लिए मिलेगी तो यहां पे आंसर मैंने मेंशन कर ही दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज का न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन डैश न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन डैश वेरी नाइस nice, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स तो मैंने आपको जैसा बोला था कि आज सिर्फ 120 तक ले रहा हूं मैं क्वेश्चन ठीक है ऐसा टोटल 120 नहीं है शुरू में डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चन को अलग नंबरिंग दी गई है यहां पे अलग नंबरिंग दी गई है तो ठीक है हर चैप्टर के साथ में अलग अलग नंबरिंग मिल रही है इसलिए वन ट्वेंटी तक पहुंच गए पर अब क्या करेंगे रिमेनिंग जो लेक्चर है नेक्स्ट पार्ट है वो शाम को आठ बजे लेने वाला हूं ठीक है तो शाम को आठ बजे ज्वाइन करें सेशन को और फिर से क्विज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से आप लोगों को याद रखना है आपको, आपको बायोमोलिक्यूल सेल डिविजन सेल मोफोलॉजी एनाटॉमी ये सब कुछ कंप्लीट करके आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है एनसीआरटी से रीड करना है ठीक है तो एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे फिर से शाम को आठ बजे आज के दिन दिन भर है आपके पास अच्छे से रिवाइज करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करना जो शाम वाली लिंक है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा उसको भी आगे फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स के पास में जिससे थोड़ा और ज्यादा मजा आए ज्यादा लोग आंसर देंगे पता चलेगा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा चलिए तो लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं बाय बाय टेक केयर